आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और इस मौके पर यूथ कांग्रेस ने गरीब लोगों के बीच में जाकर राहत सामग्रियां वितरित की है। इस बारे में बताते हुए यूथ कांग्रेस के झज्जर जिले के प्रधान दीपक धनखड़ ने कहा कि कोरोना के संकट में यदि सबसे ज्यादा मार किसी पर पड़ी है तो वो गरीबों पर पड़ी है, इसलिए वो और यूथ कांग्रेस की पूरी टीम ने इन गरीब लोगों के बीच में जाकर राहुल गांधी के जन्मदिवस के मौके पर राहत सामग्रियां वितरित की है। साथ ही साथ दीपक धनखड़ ने लोगों को यूथ कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से मदद का आश्वासन भी दिया। आइए आपको दिखाते हैं। मैं परवीन अहलावत हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस के प्रधान है दीपक धनखड़, डॉक्टर कोट हैं, सारी टीम यूथ कांग्रेस की यहां पे आई हुई है। और एक टाइम कहा जाता था कि गरीब आदमी का कांग्रेस का जो हाथ है वो गरीब आदमी के साथ में है। इसी सिलसिले पर चलते हुए राहुल गांधी का भी आज जन्मदिन है। दीपक धनखड़ ने गरीबों के बीच में आए हैं यहाँ झुग्गियों में, और वैसे भी पूरे देश में मांग हो रही है कि गरीब सबसे ज़्यादा कोरोना में पिस रहा है, तो दीपक धनखड़ यहाँ पे आए हैं, मास्क भी दिए हैं, जो राहत सामग्री है वो भी इन्होंने प्रोवाइड करवाई है। तो चलिए दीपक धनखड़ से ही पूछते हैं। दीपक, आज गरीब लोगों के बीच में आप आए हो, रिफ्रेशमेंट आप लोगों ने दी है, क्या कहेंगे राहुल गांधी जी का जन्मदिन भी आज? देखिए, आज हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर हम यहाँ अपने भाइयों में आए हैं, तो उनकी राशन से सहायता कर सके। और हम युवा कांग्रेस की तरफ से, झज्जर युवा कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं और वो स्वस्थ रहिए कामना करते हैं। अच्छा, ये बताइए दीपक, आलोचना हो रही है बीजेपी की कि गरीब लोगों के बीच में नहीं जा रही है, बीजेपी अच्छे से काम नहीं कर रही है, कोरोना काल में क्या करेंगे? देखिए, हम युवा कांग्रेस की तरफ से सरकार से ये मांग करते हैं कि ₹7200 प्रति महीने 6 महीने तक इन गरीबों के खाते में जाएं, और मनरेगा के तहत इनको ₹200 की रोजगार की गारंटी मिले। और जो हमारे भाई ये गुड़गांव में है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में है, जिनकी नौकरियां ये कोरोना में कोरोना खा गया, तो हम ये मांग करते हैं कि उनको जॉब दिलाई जाए। देखिए, इसमें सरकार की मंशा बिल्कुल गलत है, और सरकार को कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के उनको तुरंत रोजगार देना चाहिए, और अभी हम उनके धरने पर उनको समर्थन देने जाएंगे। कांग्रेस के अन्य साथी भी यहाँ पे हैं, डॉक्टर कोट, आप बताइए गरीब लोगों के बीच में आज सारी टीम के साथ आप लोग यहाँ पे आए हो, आपके जिला प्रधान दीपक धनखड़ भी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो जिला प्रधान है दीपक धनखड़ जी, जो हमको लगातार 15 साल से मार्गदर्शन करते आ रहे, संघर्ष करते आ रहे हैं, और जब भी हमारी यूथ कांग्रेस को, सीनियर कांग्रेस को हमारी जरूरत पड़ती है, गरीब 36 बरादरियों कहीं भी हमारी जरूरत पड़ती है, हमारी जो यूथ कांग्रेस की टीम है, हम वहाँ हर मदद देने के लिए तत्पर रहते हैं। हम भाइयों के बीच पहले भी आए हैं, अब हमारा तीसरा दौरा है भाइयों के बीच में, जो भी झोपड़पट्टी जो प्रवासी मजदूर हैं, कामगार हैं, जो भी हैं, उनके पास हमारा तीसरा दौरा है। तन मन धन से, मास्क से, सैनिटाइजर से, राशन से हम भाइयों की मदद कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा, रोजगार। लेकिन सरकार का एक जिम्मेवारी बनती है, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो जा रहे हैं, उनकी एक सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इनको खाने के लिए राशन उपलब्ध कराया जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, जो यहाँ नहीं है। तो हम तो यही आशा करते हैं सरकार से कि इनकी सुध ले, जो अब तक तो शायद 3 महीने से नहीं ले पाएगी सरकार। तो यूथ कांग्रेस की यही मांग है कि इनकी सुध ले, वरना यूथ कांग्रेस संघर्ष करेगी इनके लिए और इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखा आपने, दीपक धनखड़ से ही मैंने बात की, यूथ कांग्रेस के जिला प्रधान है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी गरीबों के लिए लगातार काम नहीं कर रही है। इसी कड़ी में इनकी यूथ कांग्रेस की पूरी टीम है, गरीब लोगों के बीच में आई है, मास्क है, सैनिटाइजर है, रिफ्रेशमेंट है, सारी चीजें हैं इनको प्रोवाइड की गई है। और एक बात और बता दूं, जब दीपक धनखड़ और कांग्रेस की पूरी टीम यहाँ पे पहुंची, तो पहले इनकी बातचीत हुई इन तमाम गरीब लोगों से, तो इनका कहना था कि जी लोग हमारे बीच में आ ही नहीं रहे हैं, तो इससे ये चीज पुख्ता हो जाती है कि सरकार के दावे हैं वो फेल है यहाँ पे दिखाई देते हैं। और कांग्रेस नेताओं की इन गरीब लोगों से बात हुई है, इनकी समस्याएं भी सुनी है, और ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक पहले एक कहावत होती थी कि कांग्रेस का हाथ है वो गरीब आदमी
आदमी के साथ है और कांग्रेस अगर ऐसे ही लोगों के बीच में जाती रही, काम करती रही तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें हैं वो खड़ी होने वाली है। कांग्रेस नेताओं का भी ये कहना है कि बीजेपी को गरीब लोगों